Hello everybody, we have already seen the first part and the second part of the story where we ended on a part where Jancy comes and asks about Danny Casey and Sophie reveals that she had met Danny Casey in an arcade. She did not tell about the date part. I hope you remember the date part where she is talking about Danny Casey has asked Sophie to come and meet so that he can give her an autograph for Derek. So that meeting was to be held the next week. So now Sophie is again lost in her dreams and she wants to meet Danny Casey as she had thought that the date would go very nice. So she's thinking about the date bit and now she's going to meet Danny Casey in the place that they had already decided. That begins with the third part of the text. जैसा कि हमने देखा पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में कि सोफ़ी ड्रीमर है और वो हमेशा सपने देखती है. किसके बारे में? आयरिश फुटबॉल प्लेयर डैनी केसी के बारे में. तो डैनी केसी से वो सपने में ही, वो दिन के सपने में ही क्या देखती है कि उसने उसको प्रॉमिस किया है कि वो उससे मिलेगा और उसको ऑटोग्राफ देगा. तो अब यहाँ पे थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है. जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा है कि उसने जियोफ को बताया है और जियोफ उसकी बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं कर रहा है. वो बोल भी रहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता. हमने ये भी देखा था बैकग्राउंड में कि सोफ़ी पुअर फैमिली से आती है और उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं. तो ये सारी चीज़ों को अकाउंट में रखते हुए हम थर्ड पार्ट की ओर जाएंगे जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे सोफ़ी के बारे में. थर्ड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट. थर्ड पार्ट में हम क्या देखते हैं कि सोफ़ी, जिस तरह से सोफ़ी ने अपने भाई को बताया था कि डैनी केसी ने उसको एक जगह पे मिलने को बुलाया है. इट इज़ अ सीक्रेट प्लेस वेयर जनरली लवर्स मेट. एक सीक्रेट सी जगह है, बिल्कुल ग्रीनरी वाला पॉइंट जहाँ पे एक बेंच है जहाँ पे सोफ़ी वेट करी है अपने डैनी केसी का. लेकिन सबको पता है कि डैनी केसी नहीं आएगा क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ उसका इमेजिनेशन था. सो शी वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट केसी डिड नॉट शो अप एंड देन एट द एंड व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स वेरी सैड. वो बहुत सैड हो जाती है बट शी डज नॉट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ हर इल्यूजन. शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी बिकम्स मेलैंकोलिक. वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है. शी बिकम्स डिसअपॉइंटेड एंड देन शी डिसाइड्स टू गो बैक होम. उसको ये भी मन में एक डर रहता है कि अब सारे लोग बोलेंगे कि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन रियलिटी वही था. बट शी वॉज अनएबल टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी एंड शी बिकम्स अटरली डिसअपॉइंटेड टूवर्ड्स द एंड. नाउ शी गोज बैक टू हर हाउस एंड शी रीचेज द सेम प्लेस. उसी जगह पे वो पहुँचती है जहाँ पे वो उसने इमेजिन किया था डैनी केसी को. वहाँ पे फिर से डैनी केसी उसको मिलता है इन हर इमेजिनेशन. उसके इमेजिनेशन में फिर से देखती है डैनी केसी को. अगेन शी इज़ लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स. उसके सपनों में फिर से खो जाती है, उसकी आँखों के बारे में सोचती है एंड अगेन दैट सेम इंसिडेंट अकर्स इन फ्रंट ऑफ हर माइंड एंड शी अगेन इज़ कॉट इन हर ड्रीम्स. मतलब वो अपने इल्यूजन से निकल नहीं पाती है, वो फिर से वही सपने देखती है. Concerns in the chapter. It brings to light the teenage tendency of daydreaming. Teenage में जैसा होता है कि लोग क्या करते हैं, दिन में सपने देखते हैं, खुले आँखों से ख्वाब देखते हैं. तो वो उस चीज़ को हमारे सामने चैप्टर में लाता है. इट वॉन्ट्स दैट ड्रीम शुड बी रियलिस्टिक एंड नॉट फार फेच. ड्रीम क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इधर उधर के सपने हमको नहीं देखने चाहिए क्योंकि एट द एंड क्या होता है, जो सपने देखता है वैसा अनरियलिस्टिक सपने देखता है वो सफ़र करता है, जैसे कि सोफ़ी सफ़र करती है. सोफ़ी क्या है? हार्ट ब्रोकन है, डिसअपॉइंटेड है एंड में. वो फिकल माइंडेड कैरेक्टर है जो कि अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बिना ध्यान में रखे ऐसे बड़े बड़े सपने देख रही है. ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में देखते हैं. शी डज नॉट टेक द वार्निंग ऑफ हर वेल विशर्स सीरियसली. वो अपने वेल विशर्स के वार्निंग को भी सीरियसली नहीं ले रही है और चैप्टर ये भी रिवील करता है दैट द पर्सन हु डज नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी सफर्स द मोस्ट बिकॉज एवरी ड्रीम डज नॉट कम ट्रू. जो इंसान ऐसे सपने देखता है एट द एंड वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि हर सपना इंसान का पूरा नहीं होता है. तो इसलिए सपने वैसे ही देखने चाहिए जो इंसान
पूरा कर सके। बहुत ज़्यादा अगर हम अपने आप को इंडल्ज करेंगे ख्वाब देखने में तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। What do we learn from the story? The story is very simple. It is about teenage dreaming tendency. So one should always try to be more grounded to reality. हमको क्या होना चाहिए? Reality में रहना चाहिए and not go places in imagination. बहुत सारे जगह पे wayward wander नहीं करना चाहिए अपने imagination को लेके. Unrealistic dreams भी नहीं देखने चाहिए, वैसे सपने नहीं देखने चाहिए जो कभी फुलफिल ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा खुद का ही disappointment होगा। ये हम चैप्टर में सीखते हैं। थैंक यू, आई होप यू हैव enjoyed द स्टोरी एंड होप यू won't indulge इन डे ड्रीमिंग। अब आप चैप्टर अच्छे से पढ़िए, रीड द चैप्टर थॉरली एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी वेयर वील डिस्कस द चैप्टर इन डिटेल।